सबसे पहले हम यहाँ से उबंटू डाउनलोड करेंगे, तो ये डाउनलोड इधर से हम अलाउ करेंगे, उबंटू डाउनलोड होने लगा। डाउनलोड होने के बाद हम यूटीएम डाउनलोड करेंगे। मैं डायरेक्ट यूटीएम की वेबसाइट पर जा रहा हूँ। दर्शन डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके हम यूटीएम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके यूटीएम डाउनलोड करेंगे हम लोग। यूट्यूब डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इधर से यूट्यूब को हम यूट्यूब को इंस्टॉल करेंगे, यूट्यूब को खोलेंगे। यूट्यूब और इंस्टॉल करेंगे हम लोग। इधर से ओपन ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंस्टॉल होने के बाद इधर से हम यूट्यूब खोलेंगे। यूट्यूब ओपन हो रहा है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इधर से हम क्रिएट अकाउंट पे करेंगे क्लिक। उसके बाद इधर देखिए उबंटू, हम नेम में जाकर उबंटू लिखेंगे। स्टाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोगो चेंज करेंगे, उबंटू का लोगो लगाएंगे। सिस्टम प्रेफरेंस में जाके हम इसे 30 और 72 MB पर रखेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर में जाके हम 64 बिट आर्क पे रखेंगे, क्लिक करेंगे। ड्राइव में जाएंगे, सबसे पहले हमें एक ड्राइव बनाना होगा, जो हम बनाएंगे NVMe ड्राइव, जो होगा 20 गिग्स का। 20 में क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे 20 गिग्स ड्राइव। उसके बाद हम एक और ड्राइव बनाएंगे जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसे सेव करेंगे। सेव होने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हम CTN/DVT में जाएंगे, एम्प्टी जो दिखा रहा है उधर क्लिक करेंगे। इधर से हम अपना उबंटू जो डाउनलोड किया ब्राउज़र में जाके फाइल में आपने जहाँ उबंटू इंस्टॉल डाउनलोड किया है उधर क्लिक कर लेंगे। उधर से हम उसे ओपन करेंगे। देखिए ओपन होने के बाद ये जो प्ले बटन का साइन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। आपका उबंटू बूट होने लगा है। देखिए इसमें उसके बाद हम इंस्टॉल उबंटू सर्वर पर क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा, तब हम लोग वेट करते हैं। अब सर्वर कनेक्ट हो रहा है, वेटिंग। अभी हम इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। सो डन, डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर डन पर क्लिक करेंगे। इधर भी डन पर क्लिक करेंगे। इधर भी हम डन पर क्लिक करेंगे। डन डन करते जाइए। डन पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर से हम अपना नाम नेम चूज करेंगे। ये आप अपना सर्वर का नाम भी जो देना चाहते दे दीजिए, मैं अपना दे रहा हूँ।
उसके बाद हमें यूजर नेम सिलेक्ट करना है, यूजर नेम में आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। उसके बाद पासवर्ड लिखना जो देना चाहते हो आप पासवर्ड दे सकते हो, मैं अपना दे रहा हूँ आप अपना दीजिएगा। उसके बाद हम लोग डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करने के बाद फिर से डन पे क्लिक करेंगे, या हम लोग नीचे आके फिर से डन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा हमारा जो उबंटू है वो लाइव सर्वर के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। उबंटू इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, उबंटू जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है डाउनलोड किया है वो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद इंस्टॉल कर्नल दिखा रहा है इधर, देखिए आप देख सकते हो जितना टाइम लगेगा हम लोग वेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपडेटिंग Ubuntu जो हमने डाउनलोड किया है वो अभी अपडेट हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अभी ये स्टोरिंग APT कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, यहाँ तक आप लोगों को भी सेम दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक आप लोग सही है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ आपके में। उसके बाद थोड़ा हम लोग वेट कर लेंगे। देखिए यह रीस्टोरिंग APT कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इधर से हम लोग रीबूट नाउ पे क्लिक करेंगे। रीबूट नाउ पे क्लिक करने के बाद इधर से पूरा ठीक है होगा, मैं जैसा कर रहा हूँ आप लोग वैसा करिएगा। जैसे साइड में जो लोगो दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे हम लोग, उधर से CTTPT में जाके हम IIS जो है वो इंजेक्ट कर लेंगे। इंजेक्ट करने के बाद क्लिक करके इंजेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपना शट डाउन कर लेंगे, देखिए शट डाउन दिखा रहा है इधर। उसके बाद ओके करेंगे कंफर्मेशन करके। उसके बाद फिर से हम लोग प्ले बटन जो दिखा रहा है इस पर हम क्लिक करके हमारा जो Ubuntu है वर्चुअल है इसे हम ओपन करेंगे। देखिए ओपन कर रहा हूँ, देखिए अब हमारा Ubuntu सही से सेटअप होने जा रहा है, बूट हो रहा है। देखिए अब बूट हो रहा है, तो ये टाइम लेगा, ये हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। इधर हमारा जो यूजर नेम आ गया इसमें अपना यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालिएगा जो आपने यूज चूज किया, उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए उसके बाद इधर से हम अपना एक कमांड डालेंगे sudo apt space अपडेट लिखेंगे, sudo apt। उसके बाद पासवर्ड बनाएगा, क्लिक करने के बाद आप लोग अपना पासवर्ड दे दीजिएगा, मैं अपना पासवर्ड दे दिया हूँ। उसके बाद देखिए ये अपडेट हो रहा है, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इधर एक और कमांड डालेंगे sudo 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 apt install Ubuntu sudo space apt space install task देंगे, इंस्टॉल स्पेस टास्क लिखे लिखेंगे। ओके स्पेस टास्क से लिखने के बाद हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यस और नो हम यस पे क्लिक करेंगे, वाई लिख के इंटर खींचेंगे। उसके बाद
उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद देखिए इधर हम लोग एक और कमांड डालेंगे, sudo task shell space install. Ubuntu. Ubuntu square dash desktop. बस इंटर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा Ubuntu जो है वो इसमें लोड होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम लोग वेट कर लेंगे। देखिए उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब हमारा जो ओपन पे वो रिट्रीव हो रहा है। देखिए इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है फिर भी हम लोग वेट करेंगे। अब 1% हो गया है, कोई बात नहीं, जितना टाइम लेता है उतना टाइम लेने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये 100% हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हो चुका है, तो थोड़ी ही देर में अब हमारा Ubuntu जो है इंस्टॉल होने वाला है। ये जब 100% हो जाए उसके बाद नीचे हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा, तो कमांड है sudo task shell install ubuntu desktop। उसके बाद हमें पासवर्ड मांगेगा, हम इधर पासवर्ड देंगे, मेरा जो पासवर्ड होगा मैं दे रहा हूँ, आपको जो पासवर्ड होगा आप दीजिएगा। उसके बाद ओके करने के बाद देखिए
देखिए अब हम इधर एक और कमांड लिखेंगे, sudo space reboot, enter. ये हमारा Ubuntu है वो UTM में रिबूट हो रहा है, स्टार्ट बूट ऑप्शन आ गया है। स्टार्ट बूट ऑप्शन आने के बाद हम वेट करेंगे, उसके बाद देखिए हमारा जो यूजर नेम हमने डाला था वो आ गया। अब ये इस पर हम क्लिक करेंगे यूजर नेम पे, फिर पासवर्ड टाइप करेंगे और देखिए ओपन हो गया, Ubuntu ओपन हो गया। यहाँ तक आप हो गया, इसका मतलब आप लोग समझिए आपका Ubuntu इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम टर्मिनल में जाएंगे, उसके बाद हम sudo apt apt इंस्टॉल करेंगे। ये जब कमांड हम टाइप करेंगे उसके बाद हम पासवर्ड देना पड़ेगा, तो हम अपने पासवर्ड देने के बाद देखिए अपडेट हो गया। उसके बाद फिर से वाइप क्लिक करके इंटर करेंगे, देखिए वर्किंग में दिखा रहा है। एक कमांड टाइप करेंगे, नियो फेच इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए इधर से हम आप देख सकते हैं टर्मिनल में आपका Ubuntu का लोगो आ गया है। उसके बाद उसका GPU CPU कितना यूज हो रहा है वो दिखा शो कर रहा है। तो आप लोगों का Ubuntu अब इंस्टॉल हो गया है आपका, इसे स्टेप बाय स्टेप करके आप Ubuntu इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यूटीएम में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।